इस महज इस वास्ते यहाँ पर एक झगड़ा ने तूल पकड़ लिया कि फेयरवेल पार्टी में कुछ छात्राओं में रंजिश हो गई थी, झगड़ा हो गया था। आज उसका एक विकराल रूप देखा गया। गनीमत ये रही कि पुलिस ने मौके पर पहुंच के स्थिति को काबू कर लिया है, नहीं तो कोई भी स्थिति बन सकती थी क्योंकि मामला कॉलेज के छात्रों से जुड़ा हुआ था। इसी संबंध में बात करते हैं जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसर के जो हमारे DSP हैं, पुलिस क्षेत्राधिकारी जानसर सोमेंद्र कुमार नेगी जी से। सर बताइए क्या मामला है पूरा? 4 अप्रैल को बैच की फेयरवेल पार्टी हुई थी, उसी में लड़कों में विवाद हो गया था। उसी विवाद को लेकर के आज रोहित थनोट रामकुमार कुछ लड़कों को लेकर आया और उसने कॉलेज में जो है झगड़ा किया है। झगड़े में कुछ लोगों को चोटें आई थी, चोटें सामान्य हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। और वहाँ थाना मीरापुर में इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और दोषियों को तलाश करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई। कोई चोटें किसी के गंभीर चोट? कोई गंभीर चोट नहीं है, एक मेहता नाम का लड़का है जिसको एक्स-रे एडवाइज किया, एक्स-रे के बाद उसका पता लगा। क्या पुलिस प्रशासन का क्या रुख है? पुलिस प्रशासन की तरफ से ये रिपोर्ट लिखाई गई है, जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है पुलिस प्रशासन की तरफ से मुकदमा पंजीकृत उसमें कराया गया है। तो इसमें क्या गिरफ्तारी होगी? हाँ बिल्कुल गिरफ्तारी होगी। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुमेंद्र कुमार नेगी पुलिस क्षेत्राधिकारी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी दोषियों का उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला शांत है, स्थिति नियंत्रण में है। मैं हरीश ईश्वरी, चीफ एक्टर 12 बैच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर जान सकते। सर किन धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया है? इसमें 147, 148, 323, 504, 506, 452, 352 RPC के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है।